Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So in this video, we will learn इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइपर हाइपरकॉन्जुकेशन लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हाइपर हाइपर हाइपरकॉन्जुकेशन क्या होता है वेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन कॉन्जुकेशन देन इट इज सेट टू बी हाइपर कॉन्जुकेशन ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट ये इफेक्ट कैसे है परमानेंट इफेक्ट होता है अगर हम मिजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो था वो टेम्परेरी इफेक्ट था ठीक है दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट पर इंडक्टिव इफेक्ट है कॉन्जुकेशन है हाइपर कॉन्जुकेशन है ये सब कैसे इफेक्ट हैं परमानेंट इफेक्ट है अगर आपने मेरी इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुकेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो गो थ्रू इट ठीक है देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ ए डिस्टेंस इनडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ठीक है ये जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस ठीक है जो भी ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है उसका इम्पैक्ट जो है उसके बगल वाले कार्बन पे सबसे ज़्यादा होगा जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है पर हाइपर कॉन्जुकेशन जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कार्बन आयन ये कार्बन आयन में नहीं होता है देखते हैं देखो किस में होता है जब एक अल्काइल ग्रुप वो डबल बोन के बगल में लगा होता है तब होता है हाइपर कॉन्जुकेशन जब एक अल्काइल ग्रुप कार्बो के बगल में लगा होता है तो होता है हाइपर कॉन्जुकेशन पर ये कार्बन आयन में नहीं होता है देखो यहाँ पर अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा देखो पहले तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना इस हाइड्रोजन ने क्या है इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो ये बना हमारा प्रोटोन राइट ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये आ गया हमारा डबल बोन ठीक है उसके बाद इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज राइट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये क्या है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और ये क्या है पाई स्टार ठीक है इसके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है होमो टू ल्यूमो तो यहाँ पर होमो क्या है सिग्मा और ल्यूमो क्या है पाई स्टार हायर द एनर्जी ऑफ होमो बेटर द डोनेटिंग एबिलिटी एंड लोअर द एनर्जी ऑफ ल्यूमो बेटर द एक्सेप्टर कैपेबिलिटी ठीक है अब इस वाले में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए ठीक है तो ये देखो इस हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है यहां पर क्या आ जाएगा डबल बोन और ऐसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं होमो टू ल्यूमो ठीक है होमो यहाँ पर क्या है? सिग्मा और कार्बो के टाइम के पास एंटी बॉन्डिंग क्या होगा ल्यूमो क्या होगा पी प्लस ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सिग्मा टू पी प्लस ठीक है यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करते भी हैं कार्बन आइन में तो ये क्या है नॉन बॉन्डिंग यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है अब इसको यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा डबल बोन अब जैसे ही डबल बोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन की टेटरविलेंसी जो है वो लेट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आर नेगेटिव की तरह लीव करेगा ठीक है विच इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप ठीक है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ठीक है और दूसरा ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर है ना नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग तो गुड डोनर है पर क्या सिग्मा स्टार गुड एसे है नहीं है देखें अगर देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग ये क्या है होमो हाइर द एनर्जी ऑफ होमो बेटर द डोनेटिंग कैपेबिलिटी ये क्या है डोनर एबिलिटी ठीक है नॉन बॉन्डिंग की डोनेटिंग एबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है पर अगर हम असेप्टर की बात करें असेप्टर की बात करें अगर हम तो पी प्लस पाई स्टार सिग्मा स्टार ये है ऑर्डर लोअर द एनर्जी ऑफ ल्यूमो बेटर द असेप्टर एबिलिटी ठीक है ये क्या है ल्यूमो क्लियर ठीक है पी प्लस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है ठीक है तो ये कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं हो सकता देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स रिमेन अनचेंज्ड यहाँ पर जो एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज नहीं होती है ठीक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम्स रिमेन अनचेंज ठीक है चाहे आप चेक भी करके देख लो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ठीक है तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज नहीं होगी ठीक है सो दिस वॉज़ अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइपर कॉन्जुकेशन फॉर फर्दर लेक्चर स्टे ट्यून्ड विद आई आई टी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग थैंक यू